पहली बार लाइफ में इतना महंगा हेलमेट खरीदा है। कैसी लग रही है भयंकर? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं। पहले क्या होता था ना, जैसे 5 बजे जिम खोलना है तो 15 मिनट पहले उठ जाओ तो फटाफट से रेडी होके भाग जाओ। लेकिन अभी लगभग मुझे 1 घंटा पहले उठना पड़ता है क्योंकि सारी तैयारी करनी पड़ती है, अपनी एक मील रेडी करनी पड़ती है और प्रोटीन वगैरह पैक करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हो गया आजकल। इनके अंदर 2 स्कूप प्रोटीन लेके जाता हूँ, 1 वर्कआउट के बाद, 1 कार्डियो के बाद के लिए। और ये है 5 अंडे जिन्हें मैं यहीं से छील के लेके जाऊंगा। जिम में कहाँ छीलने का टाइम मिलता है, तो यहाँ से छील के डब्बे में पैक करके लेके जाता हूँ। वहाँ से डब्बा खोलो और खा लो। तो अपने अंडे छील के रेडी हो गए हैं, तो इनका जो योक है उसे मैं जिम में निकाल के फेंकता हूँ, यहाँ से निकाल के नहीं लेके जाता हूँ। A few inches later. ये प्रोटीन काफी जल्दी फिनिश होने वाला है। जैसे ये फिनिश हो जाएगा हम कोई दूसरा प्रोटीन खरीदेंगे, फिर से ये वाला रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे प्रोटीन तो अच्छा है। सामग्री तैयार है। वैसे ना आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोगों को भयंकर वाला एक सरप्राइज देने वाला हूँ, लेकिन आज की वीडियो में उस सरप्राइज थोड़ी थोड़ी हिंट आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग समझ जाओगे तो कमेंट करके जरूर बताना। वैसे ना आप लोग थोड़ा दम कम लगा रहे हो वीडियोस देखने में, तो थोड़ा सा दम लगाओ। 3000 लोगों की फैमिली अपनी होने वाली है, तो थोड़ा सा 3000 की इज्जत करो, वीडियो पे व्यू आने दो, शेयर वेयर करो जरा। चलो अभी निकल लेते हैं फटाफट से। अभी मैं जिम पहुंच गया हूँ। कल क्या हुआ था, जब मैं जिम पहुंचा था तो 5 मिनट कम थे 5 बजने में, ठीक है, जिम पहुंच गया था। उसके पास चाबी नहीं थी तो जिम के बाहर वॉक कर रहा था। और आज मैं क्या देख रहा हूँ दिखाता हूँ आप लोगों को भी। 5 बजने में 10 मिनट कम है और ये बंदा क्या कर रहा है। हाँ जी, कितने बजे आ गया आज? 4:30 5:30। भाई क्या हो गया तेरे को, सोना वोना नहीं है क्या आजकल? अभी पी लेते हैं एल कार्निटाइन। वर्कआउट अच्छे से हो गया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। जो लेने के लिए जा रहा हूँ वो आपको अभी वीडियो में दिख जाएगा। नहीं, मैं रेड होता ना वो ज्यादा सही रहता है, रात के लाइक नहीं है ये। इसे ब्लू वाले को निकाल दो, ब्लू निकाल दो, व्हाइट ही लगा दो। बाद में जब मुझे लगाना होगा मैं बाद में अलग से लगा लूंगा, है ना। अभी ना यही कंपनी का था पर थोड़ा सा उसका डिजाइन अलग था। पीछे कर दो इस वाले को। इनका जैकेट कैसी लग रही है भयंकर? रेड कलर भी आता है क्या इसमें? ये तो अभी आ गया अपना हेलमेट अपने पास। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैंने कौन सा हेलमेट खरीदा है और ये कितने रुपए का है। वैसे एक बात बताऊँ, मैंने पहली बार लाइफ में इतना महंगा हेलमेट खरीदा, आज तक इतना महंगा हेलमेट कभी भी नहीं खरीदा। तो ऐसा दिखता है कुछ इसका बॉक्स। स्टील वर्ल्ड कंपनी का हेलमेट है ये। तो ये डब्बे को रख देते हैं हम साइड में। तो हेलमेट के ऊपर कुछ ऐसा है कवर, तो ये है वो हेलमेट। काफ़ी सारे हेलमेट मैंने देखे थे तो मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, मुझे चाहिए था रेड कलर का। तो ये मैट में है, शाइनिंग में रेड तो मिल रहे थे बट शाइनिंग में मुझे नहीं चाहिए था, मुझे मैट में चाहिए था। तो काफ़ी सारी डिज़ाइन थी बट फिर मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो ये मुझे अच्छा लगा बट थोड़ा सा बजट से बाहर था, फिर भी मैंने इसे खरीद लिया। नहीं चलो कोई बात नहीं, बार बार पैसे नहीं लगाने, एक ही बारी में पैसे लगाने हैं। मांगे तो उन्होंने 4000 रुपये थे इसके, बट फिर मैंने इसे 3500 में ख़रीदा। 500 रुपये भी बड़ा मुश्किल से कम किए उसने, बट उसके पास हेलमेट बहुत सारे थे। बाकी तो मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है हेलमेट वगैरह के बारे में। पहले एक ख़रीदा था वो था स्टड्स का,
ये स्टील वर्ड का है और 3500 रुपये का है, तो पहली बार मैंने लिया इतना महंगा हेलमेट। बाकी इसमें एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा अलग लगी थी, जैसे सर्दियों में फॉग वगैरह आ जाता है, उन्होंने बताया था कि इससे फॉग नहीं आएगा, फॉग हट जाएगा। एक चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा लगी थी मुझे, वो इसमें वाइजर का लॉक है, इसे हम नीचे कर देंगे तभी ऊपर खुलेगा, इसे हम लॉक कर देंगे तो वाइजर नहीं खुलेगा। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है, जैसे कि कभी कभी हाई स्पीड में बाइक चल रही है तो वाइजर शायद अपने आप ना खुल जाए। तो बस ऐसा ही था हेलमेट, तो बस मैंने अब ले लिया है। सुबह मैंने बोला था अगर आप लोगों को समझ में आए कि क्या पक रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैंने अमेजोन पे चेक किया था, ये हेलमेट अमेजोन पे भी है, तो आप लोग में से कोई परचेज करना चाहता है या फिर देखना चाहता है तो आप लोग देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे ज़्यादा जो सस्पेंस होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो आज का वर्कआउट भी अपना अच्छा रहा, हमने हेलमेट भी खरीद लिया, तो अभी आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ।